मामूली विवाद को लेकर कानून के रखवाले सड़क पर हैं, जहां कल पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन किया और 11 घंटे के बाद काम पर वापस लौटे। वहीं आज वकीलों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 3 अदालतों पर ताले जड़े हुए हैं। सड़कों पर उतरे कानून के रखवाले, दिल्ली की 3 बड़ी अदालतें बंद, जनता का फूटा गुस्सा। अब आमने सामने आए वकील और जनता। वकील और वर्दी की जंग कब तक? 2 दिन से कानून के रखवालों ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। लोगों को न्याय दिलाने वाले खुद सड़क पर उतर आए हैं और अपने लिए न्याय की गुहार लगाने लगे। पुलिस और वकीलों के बीच का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली पुलिस के धरने के बाद अब वकीलों ने पुलिस वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने दिल्ली की 3 बड़ी अदालतें साकेत कोर्ट, पटियाला कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को बंद कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे एक वकील ने तो खुदकुशी करने की कोशिश तक कर डाली, तो एक वकील ने बिल्डिंग पर चढ़कर जान देने की कोशिश की और पुलिस वालों पर छवि खराब करने का आरोप लगाने लगे। अदालत बंद होने का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा, जिसके बाद लोगों ने भी हंगामा किया। ये तस्वीर साकेत कोर्ट की है, जहां पर अब जनता और वकील आमने सामने दिख रहे हैं। परेशान लोगों ने भी जमकर हंगामा किया और कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश की। लोगों का हंगामा देख वकीलों ने कोर्ट का गेट बंद कर दिया। गेट बंद होने से वकील और जनता के सामने टकराव वाले हालात दिखाई दिए। पेशे पर आए लोगों का कहना है कि उनके केस की अहम सुनवाई थी, जो वकीलों के धरने की वजह से नहीं हो पा रही है। ये हमारा डेढ़ था कल का, वो कल हम आए जब बोले आज को आना, यहाँ से बाहर से पता चला ये डेढ़ था चालान का। तो गांव पे घर पे संबंध हो जाओ, हम यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि मतलब कुछ दिक्कत आ गई है। अभी आज बोल रहे हैं कि जब 10-15 दिन के बाद जब तक समझौता नहीं हो जाता है उब तक डेट भी नहीं मिलेगी। समझौता होने के बाद में ही डेट मिलके घर पे पहुँचेगी। अब क्या समस्या आपका था चालान वाला? उस समस्या ये है कि जब तक डेट नहीं मिलेगी, अगर डेट पे पहुँचे तो वहाँ कल पुलिस वाले से मिले, वो बोले कुर्की जाएगी। अब ये तो यहीं से पता चल सकता क्या होगा। वकीलों के संगठन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी तल्ख तेवर अपनाने शुरू कर दिए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस कर्मियों के विरोध प्रदर्शन को गैर कानूनी बताया है। साथ ही ये भी कहा कि उनका संगठन दोषी वकीलों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। कल हमने बैठक की, हमने उन वकीलों को नोटिस दिया बार एसोसिएशन के थ्रू, हम उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। मैंने कहा एक्शन लेने जा रहे हैं, लेकिन कल जो कुछ हुआ आईटीओ के पास, जो हजारों की संख्या में गैर कानूनी ढंग से, गैर संवैधानिक ढंग से इस देश के प्रजातांत्रिक ढांचा को धत्ता बताते हुए हजारों की संख्या में पुलिस बल का इकट्ठा होना, कानून को तोड़ के, और जिस ढंग से उन लोगों ने वकीलों को गालियां दी आप लोग को मालूम होगा। अभी तक मीडिया, मैं बड़े अदब के साथ आप लोगों से कह रहा हूं, मीडिया ने वकीलों के खिलाफ सारा चीज दिखाया। जो पुलिस की बर्बरता, जो पुलिस की जाति थी, उसको दिखाने में आपने कोताही बरती थी। वकीलों और पुलिस वालों का विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था। मंगलवार सुबह से ही दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जवानों ने प्रदर्शन कर वकीलों के खिलाफ एक्शन की मांग की। मुख्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में जवान जुटे और काला कोट हाय हाय के नारे लगाए। दोपहर में पुलिस कमिश्नर ने जवानों से धरना खत्म करने की अपील की थी, लेकिन असर नहीं हुआ था। हालांकि 11 घंटे के बाद जवानों ने धरना खत्म कर काम पर लौट आए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली में गैर जरूरी हड़ताल क्यों? R9 TV ब्यूरो रिपोर्ट।